दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है शुक्रवार की, मतलब कि कल की। और यहाँ पे मेरा सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो सारा फिनिश हो गया है और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय मैं बना रही हूँ। गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए, इनके दोस्त, तो उनके लिए बना रही हूँ। दो हैं वे, तो उनके लिए ही अभी अभी आए हैं वे, अचानक से ही आए। उनका पहला पता भी नहीं था कि आएंगे। वे कालका से आए हैं, असल में पिंजौर आए होंगे कुछ काम से, तो फिर आगे थे। तो यहाँ वे बैठे हैं सारे। पानी वगैरह इसके पापा लेके गए हैं, दे दिया है, और मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। तो यहाँ जो भी था मेरे पास बस वो मैंने दे दिया है चाय के साथ। मतलब कि मैंने कुछ बाहर से नहीं मंगाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना, उन्होंने बताया नहीं था। फिर ये है देखो, घर में तो कुछ भी चीज़ ला के रखते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिठाई वगैरह तो थी बनी हुई मेरे पास, तो मैंने वो दे दी। तो चाय बनने के लिए रख दी है, और बस ये जो भी चीज़ थी मिठाई और नमकीन वगैरह वो भी मैंने लगा दी है, और अब बस मैं सर्व कर दूँगी और उनके तीनों के लिए भेज दूँगी। और यहाँ इसके पापा को आवाज़ लगा दी है, मैंने कहा आप दे आओ चाय, क्योंकि मैं नहीं जाती। असल में कोई फैमिली वाली आती है तो उनके साथ तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन जो इनके दोस्त यहीं आते हैं तो एक तो मैं इधर भी नहीं आते। थोड़ा सा मैं उनके साथ इतना बोलती चालती नहीं, मतलब नमस्ते कर लेती हूँ, तो फिर मैं उधर जाती भी नहीं, तो ये खुद ही ले जाते हैं। मुझे भी शर्म सी लगती है वहाँ पे जाते हुए, और इनको वे भी नहीं आते इधर, तो इस वजह से बस यही, जैसा मैं मुझे कुछ भी देना है चाय पानी वगैरह मैं लगा के दे देती हूँ और ये खुद लेते जाते हैं। तो उधर लेके चले गए थे चाय, फिर मैंने भी पी ली थी, और बस अब वे चले गए थे। ज़्यादा देर नहीं बैठे, थोड़ी देर ही रुके क्योंकि मैंने बताया जैसा कुछ काम से ही आए थे, तो उन्होंने सोचा होगा चलो मिलते चले जाएंगे, और बस मैं अपना चले गए थे। उसके बाद अब देखिए ये है दोपहर का टाइम, और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल। चावल मैंने रख रखे हैं भिगोने में बनने के लिए, दाल मेरी उबल चुकी है। आज मैं बना रही हूँ दाल साबुत मसूर वाली, जो साबुत मलका मसूर होती है ना वो वाली, और ईशु को खानी है बिना तड़के वाली, तो ईशु के लिए मैंने वही निकाल दी क्योंकि ईशु को प्रॉब्लम है टमाटर और प्याज से बहुत ज़्यादा। टमाटर प्याज डालती हूँ तो बिल्कुल नहीं खाती। अब बताओ, चलो टमाटर ना डालो लेकिन प्याज डाल के, प्याज का तो तड़का लगता ही है, लेकिन वो वाली भी नहीं खाती। फिर मैंने उसके लिए वैसी ही निकाल दी, देखते हैं खाएगी या नहीं। और इधर उसने अपना बनाना शुरू कर दिया है रायता, जो बूंदी वाला, वो तो उसको रोज़ चाहिए। दोनों बहनों को, एक को सिंपल दही चाहिए और एक को बूंदी वाला रायता, दोनों को दोपहर के टाइम डेली चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मम्मा लाओ मैं बना लूँ अपने लिए, आप अपना काम कर लो। मैं कहा चल बना ले। ईशु आज घर में ही है, गुड्डू गई है सिर्फ स्कूल। ईशु की तो 3 दिन की छुट्टी है, संडे तक छुट्टी, इसको तो बस मंडे को जाना है। तो यहाँ बस वही है, थोड़ा सा पढ़ लेती है, थोड़ा खेल लेती है, थोड़ा मोबाइल देख लेती है, और कुछ फिर वो मेरे साथ काम में लग जाती है, क्योंकि ऐसे ही निकलता है अकेले बच्चे का टाइम। अगर दूसरा साथ है तो फिर तो चलो खेल लेगी भी, लेकिन अकेली तो फिर यही रहता है। और मैं अपने साथ ज़्यादातर इसको इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि फिर ये ना मोबाइल में ज़्यादा रहती है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने उसने अपना रायता बना के रख दिया। उसका कान्हा जी का दोपहर का जो भोग है वो रायते के साथ ही लगता है, सेम दोनों का के लिए ही मैं बनाती हूँ, तो उसने बना के रख दिया। इधर मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है और बस चावल भी बनने लग रहे। और यहाँ पे देखिए कन्हैया लेके आया है पाइप, जो पाइप है समरसेबल वाला, ये छोटा हो रहा है बहुत ज़्यादा, इससे काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही, मतलब वो फट गया था तो उसको काट दिया था, तो बहुत छोटा है तो उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मशीन में पानी डालने में भी बहुत दिक्कत रहती है, और इसी वजह से मैं मशीन को इधर लेके आती हूँ। इधर भी वो नहीं लगता, उधर भी मुझे पकड़ के ही रखना पड़ता है। तो कई दिन से मैं परेशान हो रही थी, मैंने कहा यो पाइप लगा दो, तो आज ले आया। तो अभी ये देख रहे थे कि कितना हमें चाहिए कितना नहीं, या फिर ठीक से आ जाएगा या नहीं उसमें, तो बिल्कुल ठीक है वो जो लेके आया साइज के हिसाब से, और वैसे भी ठीक आ गया वो उसमें, तो वो रख लिया। फिर ये कह रहे थे कि मैं बाद में लगा दूंगा शाम के टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, अभी ये अपना ऑफिस में ही थे तो बस इन्होंने नाप के रख लिया। और बस कन्हैया भी चला गया था शॉप पे, फिर दोबारा मैं बोल भी रही थी इसको, मैंने कहा खाना खा ले,
लेकिन वो कह रहा था कि नहीं अभी तो मुझे कुछ काम करना, थोड़ी देर में आऊँगा, तो वो चला गया था तब। और इधर बस दाल चावल बन गया, और चावल आज मैंने सिंक में ही निचोड़े हैं। आप बोलते हो ना कि इसमें ना निचोड़ा करो, मैं भी कई बार सोचती हूँ कि करूँगी ऐसे ही, लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसे ही, आज भी पहले यहीं पे निचोड़ने शुरू किए थे, फिर जाके दिमाग में आया मैं नहीं सिंक में निकाल लूंगी जो मांड है, फिर जाके मैंने वहां पे निकाला। तो कई बार हो, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम डेली करते रहते हैं, तो मैं उनमें टाइम लगता है उनको बदलने में, हालांकि वो बहुत रिस्की। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि कभी ये मांड का जो फिसल जाता है या हाथ लग जाता है भिगोने पे, तो वो मेरे ऊपर गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बस खाना हमारा सबका हो गया था, गुड्डू तो आई नहीं थी आज, लेट ही आई थी, हमने तीनों ने खा लिया था, मैंने, इसके पापा ने और ईशु ने, कान्हा जी को भोग लगा दिया, और फिर थोड़ी देर बाद बस कन्हैया भी आ गया था, और फिर मैंने बर्तन वगैरह कर दिए सारे। फ्रेंड्स, सब हो गया है शाम का टाइम, चाय वगैरह हमने पी लिया है, बर्तन वगैरह भी मैंने सारे कर दिए चाय के, और अब चलते हैं ऊपर छत पे, वहाँ पे जो गेहूँ हैं ये सूख चुके हैं, उनको आज डाल देंगे, मतलब कट्टों में ही डाल देंगे, कट्टे में बोल दूंगा। क्या हुआ? पानी भी ले आऊं, कट्टों को दे दो, मोटर चला दो ना, ऊपर ही दे दूंगे। आ जा ईशु, आ जा, कट्टे में नाच भरेंगे। और मैं सूख गया, फिर और भी अभी दो कट्टे और रह रहे, वे भी धुलने हैं, और ये देखिए सूख चुके। जब पहले मैंने इसलिए डाले, धूप आ रही थी, मैं गर्म सा थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा, तो इसको भर देते हैं हम। गेहूँ हमने भर के रख दिया है कट्टों में, दो में करके बांध के धर दिया अच्छी तरीके से, और चादर में तय करके रख दिया। और इधर इन्होंने फूलों में पानी भी डाल दिया सारों में, पौधों में, क्या मैं लग गए, ये तो मुझे लग रहा हरा हो गया, ये वाला गुलाब का है ना, ये पत्ते से तो आगे देखिए उसमें हरा, आप नु कहते हो नहीं चलने का लग रहा है, हाँ चल जाएगा इसे। क्या हो गया, पुदीना गल गया क्या ऊपर? पानी तो दे रहे नहीं, इसमें कहीं नहीं है पानी पूनी, इसमें तो इतने ही है, इसमें पानी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने की, कहाँ है पानी इसमें, नहीं है इतने पौधे, इसमें पानी तो बच जाएगा क्या इसमें फिर इस पर भी फूल नहीं आई है, सारे अपने आप ही जमे, ये वाले भी सब वे वाले मिले हमें, सब तो ज्यादा फूल इस पर होने वाला, इस पर तो एक दो रोज आ जाओ है ना, ये कल को मिलेगा खिला हुआ, छोटे छोटे ही खिले हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से ही खिले हैं गुलाब, लेकिन खिले हैं यार, रोज कान्हा जी को भगवान जी को चढ़ा दें, बस रोज काम हो जाए। हां इसमें छेद हो जाएगा, नीचे पानी नहीं निकल रहा मुझे लग रहा है इस वाले में। तो अब देखिए, मैं अपना जो ऊपर का काम था गेहूँ वगैरह का वो कर आई थी, फिर मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे मैं करने लगी थी प्रेस। प्रेस काफ़ी सारे कपड़ों पे तो देखिए मैंने कर भी ली, मेरे पास रखे हैं आप देख रहे होंगे, और बस काफ़ी सारे ये रह भी रहे, क्योंकि कई दिन से मैंने प्रेस नहीं करी, लगभग एक हफ्ता ही हो गया कपड़ों पर प्रेस किए हुए, तो एक हफ्ते के हो रहे हैं ये इकट्ठे मेरे पास, तो मैं यही करूँगी। बल्कि आज वाले तो मैं ऊपर से नहीं लेके आई, ऊपर ही रखे चेयर पे, मैं कह पहले ही ये कर लूँ, क्योंकि यहाँ नीचे भी बहुत सारा ढेर लग रहा, जब तक ये नहीं हटने का तो फिर दूसरा मतलब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इनमें बिना प्रेस के भी थे, ये तो प्रेस प्रेस वाले ही मैंने छाँट कर रखे हुए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यही गुड्डू के कोट शर्ट वगैरह थे जो कल इसको पहन के जाने लैब वाले, तो वो मैंने प्रेस कर दिया, वो कहती मम्मा मेरे कर दो, मैं ला अभी दे दे, बल्कि आज ही धोया था ये कोट भी, तो वो ले आई थी ऊपर से उतार के, मैं चलो अभी कर दूँ। और इधर ईशु पढ़ाई कर रही है अपनी, क्योंकि उसको भी थोड़ा देर देखना पड़ता है, उसके भी एग्जाम आने वाले, बस मुश्किल से बिठाई जाती है, थोड़ी देर पढ़ती है फिर अपना लग जाती है कभी टीवी कभी मोबाइल में कि मैं तो पढ़ लिया। यह बच्चा अगर स्कूल कंटिन्यू जा रहा है तो वो पढ़ाई भी कर लेता है, जब छुट्टी होती है फिर उनको पढ़ाना भी मुश्किल होता है, इतने आलसी हो जाते हैं, बोर सी हो जाती है, बस सारा दिन यही बोलती रहा कि मम्मी मैं तो बोर हो रही बस यही कहती रहती है। तो यहाँ फिर मैं प्रेस कर रही थी, मैंने बोला चल तू अपनी बुक ले के आ और पढ़ाई कर बैठ के, तो उसको मैंने थोड़ा सा दिया था, वो पढ़ने लगी। फिर गुड्डू भी आ गई थी यहीं पे ही मेरे पास ही, गुड्डू कल लेट ही आई थी, और कल वो ट्यूशन भी नहीं गई क्योंकि काफ़ी थक रही थी, वहाँ पे
आज उसका एग्जीबिशन है, तो इस वजह से उनकी तैयारियां चल रही थी, तो कह रही थी कि मम्मा बहुत ज़्यादा थक गए थे स्कूल में और इसी वजह से लेट आई, तो इसी वजह से फिर वो ट्यूशन भी नहीं गई थी। तो फिर आके थोड़ी देर वो लेट गई थी और अब वो अपनी तैयारी कर रही, जो स्पीच वगैरह देनी है वहाँ पे उसकी लर्निंग कर रही थी। और यहाँ पे ईशू का चल गया है नाटक, और देखिए ईशू ना हमारी बिल्कुल नौटंकी बाज है। ईशू इतना मतलब हर किसी की नकल उतार लेती है वो, हर किसी की और पेट दुखा देती है ऐसा ऐसा के, और खुद नहीं हंसती, ये भी चीज़ है। उसका डायलॉग इतने मारती है, किसी को एक बार देख लगी ना करते हुए तो बहुत, फिर वो ऐसे ही करती रहती है। उसकी नकल बहुत अच्छे से, चाहे टीचर हो या मतलब कोई भी, जैसे बच्चे हैं कौन कैसा करता है सबके बारे में बताती है, और वो बस उसी काम पे खड़ी है, वो बता रही कि वो बच्चा ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करते हैं। तो उसी में ही लग रही थी, थोड़ी देर पढ़ा और बस अपना शुरू होगी। तो फिर मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा चल बहुत होगी हंसी मजाक दोनों की, अब अपना पूजा कर लो, क्योंकि मुझे लेट हो गया था, 2 घंटे सारे ही हो गए थे मुझे प्रेस करते करते, क्योंकि कपड़े थे काफ़ी सारे। तो और यहाँ पे बस मैंने लगभग सारे कर ही लिए, अब इनको उठा के भी रख दूंगी साथ साथ ही, वरना तो फिर ये यहीं पे ही पड़े रहेंगे। रात को फिर रखूंगी तो रात को इधर उधर रखे जाएंगे जल्दी जल्दी में। मैं कहा चलो अभी सबके जहाँ पे रखने हैं वहीं पे ही लगा दूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सबके अलग अलग कर लिए, अलग अलग करके ये होता है कि फिर उसकी अलमीरा में ही सेट कर दूंगी। तो यहाँ मुझे लग रहा 6-7 सूट तो मेरे ही थे, जैसा मैंने बताया 1 हफ्ते से मेरे से प्रेस नहीं हुई, और ये काफ़ी सारे सूट तो मेरे ही थे। तो बस ये मैंने अलग कर दिया, अब सबके सबकी अलमारी में लगा दूंगी। और कमर भी दुखने लगी, 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, तो दुख इतनी ज़्यादा देर हो जाना तो दुखने लगती है, दर्द हो जाता है कमर में। और अभी मुझे खाना भी बनाना, बच्चों ने पूजा कर लिया, इनको शाम की जो संध्या वो हो गई है, और अब बस मैं कपड़े लगा कर जाऊंगी किचन में, बनाऊंगी खाना। खाने में बस मैंने थोड़ी सी मूंग, तो वो दाल रखी थी, थोड़ी सी और बनाई थी मूंग मसरी की, जिसे वो खानी वो खा लेंगे, दूसरे वो खानी पतले वाली मूंगी मसरी की वो बना दी, और रोटी बनाई थी। तो बस जी फिर खाना खुना खा के अपना किया था रेस्ट, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।